नमस्कार, मैं हूँ सुनीता मनोचा और सुनीता कुकिंग बेकिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रवा डोसा। रवा डोसा में रवा तो यूज हम कर ही रहे हैं। रवा आमतौर पे क्या होता है कि बनाओ पतली लेयर में, किसी में भी बनाओगे तो आप चैड़ेपन में आ जाती है, तो उसके लिए जैसे दही डालनी पड़ती है उसको ठीक करने के लिए। तो दही की क्वांटिटी मैंने 1/4 कप रखी है। आप इसके डबल या ट्रिपल भी बनाओगे तो दही की क्वांटिटी उतनी बना के करना, काम को सही चलेगा। तो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे। 1/2 कप सूजी ली है, 1/2 कप राइस पाउडर लिया है, 1/4 कप मैदा लिया है, 1/4 कप दही, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। तो एक्चुअली रोल क्या है, मैं बनाने जा रही हूँ रवा डोसा, बीच में मैं राइस पाउडर डाल रही हूँ, राइस फ्लोर डाल रही हूँ, मैदा डाल रही हूँ। क्या रोल है इनका? इनका रोल ये है कि मैं सूजी का हर एक पार्टिकल बहुत बिखरा रहेगा, जुड़ता नहीं है आपस में। अगर जुड़ जाए तो चैड़ेपन में आ जाता है कुक होके। तो ये इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये इसको स्मूथनेस देगा और ये इसको पतलापन देगा। तो ये इसकी ज़रूरत है इसको बनाने के लिए। एक तरीका और भी हो सकता है, वो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी। फिलहाल मैं इसी प्रोसीजर से बनाने वाली हूँ। 1/2 कप सूजी, 1/2 कप राइस का पाउडर और 1/4 मैदा। तो बनाते हैं। तो ये सब मैं मिला देती हूँ इसमें। अगर दही ना मिलाओ तो आपका जो डोसा है वो क्रैक खा जाता है, बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं बनेगा, टूटा फूटा बनेगा। दही इसलिए चाहिए, इसकी मिक्सिंग बाइंडिंग इसको क्रैकिंग से रोकेगी। तो पानी डालते हैं अब हम। आधा कप, 1 कप मिक्स कर लेते हैं। 1 कप पानी हो चुका है, ये हुआ 1.5 और ये हुआ 2। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, 10-15 मिनट कम से कम। दोबारा देखते हैं। मिक्सचर मेरा बिल्कुल ये वॉटरी हो रखा है ना। बनाना शुरू करते हैं, गैस जला लेते हैं। तवा गर्म हो गया है, स्मोक दिख रहा है, तो डालना शुरू कर देते हैं कड़छी भर के। साइड से शुरू कर रही हूँ, अब बीच में। बस अब गैस कम कर देते हैं। मेरा ऊपर से जैसे ड्राई हो गया, गैस कम है। अब मैं ये नारियल का तेल डाल रही हूँ। बस छेड़ूंगी नहीं, ऐसे पकते रहने दूंगी जब तक पूरा क्रिस्प ना हो जाए, ऐसे रहेगा। 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें नीचे से ये ड्राई हो गया है, ऊपर क्रिस्पनेस नज़र आ रही है कलर वाइज। ये अभी तक धीमी आंच पर ही है बिल्कुल, और बिल्कुल तैयार होने पर मैं यहीं पर रोल करने वाली हूँ इसको। चेड़ा बिल्कुल नहीं है अभी, ये बिल्कुल तैयार है। अब हटने की बिल्कुल तैयारी में है, क्रिस्प बिल्कुल अच्छे से तैयार है। इतना अच्छा डोसा आप खुद बनाने वाले हो, देखो अपने आप उठ के आया और ये हुआ सर्व डोसे के साथ सांभर। ये मैं इसमें डाल रही हूँ अनियन। तो ऐसे भी बन सकता है। उसी बैटर को अब मैंने थोड़े से अनियन के साथ डाल दिया। पहले नीचे तवे पे अनियन, बाद में ही बैटर। इसको अनियन डोसा कहेंगे। दोनों तरीके से आ गया। डोसे का बैटर मैंने डाला, तुरंत गैस मैंने कम कर दिया धीरे धीरे। फिर वैसे ही सिखाई गई, सीखने का पैटर्न सेम है, चाहे मैंने अनियन डाला है चाहे नहीं डाला। तो मेरा प्लेन वाला डोसा भी तैयार हो गया, प्लेन रवा
और ये अनियन डबा, इसको 3-4 मिनट आराम से हो चुके हैं, लेकिन ये ड्राई नहीं हुआ जिसको उठा लिया जाए, तो अभी धीमी आंच पे मैंने रखा हुआ है इसको, ड्राई होने का इंतज़ार करूँगी। जब भी नीचे से मुझे दिखेगा कि कलर पकड़ लिया तब बटाएंगे इसको। इसको 7 मिनट के करीब हो रहे हैं और ये नीचे से झांक रहा है, कलर ट्रांसपेरेंसी है इतनी, दिख रहा है कि नीचे से सिक्का हुआ है, साइडों से ये हटा हुआ भी दिख रहा है। तो अब इसको उतारते हैं, देखो मार्केट जैसा कलर दिख रहा है कि नहीं, उससे भी सुंदर दिख रहा है, उससे ज़्यादा शाइनिंग आ रही है बिल्कुल यार। प्लेन डोसा भी है और अनियन रवा डोसा भी है, दोनों तैयार है। सांभर साथ में गर्मा गर्म बनाइए और बताइए। कोई भी झिझकने की जरूरत नहीं है, कहीं दिक्कत जरा सी भी आ जाए तो फोन करके पूछ लो, मेरा फोन नंबर नीचे लिखा हुआ है। लेकिन रेसिपी आपको एक क्यूट मिली हुई है, जैसे जैसे प्रोसीजर बताया है, धीमी आंच पे सेकने वाला, बिल्कुल वैसे ही बनाना, बहुत बढ़िया बनेगा। गैस तेज मैंने सिर्फ तब करी जब मैंने तवा गर्म किया और जब मैंने इस प्रोसीजर को कर दिया, उसके बाद गैस कम और कम पर ही रखा मैंने, जब तक मुझे समय में नहीं आ गया कि वो पूरा तैयार हो गया है। कम पे रखा, सूख गया, ऑयलिंग करी और उसके बाद फिर कम पे ही रहने दिया जब तक पूरा सिक नहीं गया, इसको छेड़ा नहीं है मैंने और ये तैयार हुआ है। कम से कम भी मैंने आज 30 दफा मैं अब तक बना चुकी होंगी इसको। आज मैं आपको जो ये बता रही हूँ ट्रिक कि तेज गैस पे बिल्कुल मत बनाना, ऑयल तवे पे बिल्कुल मत लगाना, नॉनस्टिक तवा अगर आप यूज कर रहे हो तो गैस तेज नहीं करना, ऑयल नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना, उससे ये आपका प्रोसीजर जो है गलत साबित हो जाएगा, आपको वो नहीं करना। जो करना है गैस धीरे रखनी है, पोर करने के बाद गैस धीरे रखनी है और जब तक आपका काम हो ना जाए तब तक धीरे ही रखनी है और ये परफेक्ट बनेगा।